आपका स्वागत करती हूँ और एक गाँव दिखाने के लिए आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। उस पेड़ की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन सौख्य राहत प्राप्त होती है। हमने हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार बोर्ड लगवाया है। आप अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार वो सामने येलो कलर का बोर्ड है, वहाँ सब लिखे हैं, आप आते समय वो देख सकते हैं। इधर पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं। हम लोगों ने इसे दीर्घायु का प्रतीक माना है और ये जो पत्थर से बंधा हुआ बांध है इसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पार सुमारे 400 बरस पुराना है। जब ये पार बंधा गया तब इस पीपल का छोटा पेड़ यहाँ लगवाया गया, यानी कि इस पीपल की उम्र भी 400 बरस पुरानी है। ओ, 400 शिवालय के ईश्वर के भी कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी। इस कविता में कवि ने निसर्ग सौंदर्य का सीधे साधे शब्दों में वर्णन किया है। इस कविता में नंदनवन शब्द का इस्तेमाल किया है और नंदनवन शब्द का अर्थ है स्वर्ग की देवता इंद्र जी का बगीचा। ये जितना सुंदर है उतना ही हमारा कोंकण भी सुंदर है। यहाँ हमने गुफा बनाई है और गुफा हमने समय का प्रतीक बनाया है। गुफा के पीछे गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और गुफा के पीछे है 500 साल पहले का भूतकाल। यहाँ से हम देखेंगे 500 साल पुराने कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी समाज की रचना है, ग्राम की रचना है, खान पान की आदतें परंपराएं कैसी थी। और आते परशुराम जी काम
बहुत बड़ा है यार ये तो खाना के साथ धनगर मतलब जाएगा इधर कितना दूर है यहाँ से बकवास है किले ऐसे ही होते हैं ये ऐसी बाउंड्री बाउंड्री होती है और अंदर ये ये देखो ये यहाँ पे ना वो तोप और बंदूक रख के करते थे अब यहाँ से सीधे बीच पे चल रहे हैं अपन बेड़िया के रेस्टोरेंट में